The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, अगर हम आपसे कहें कि अगर आप सोते समय अपने सारे कपड़े A to Z कपड़े निकाल देंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, तो क्या आप मानेंगे? अगर हम उसका साइंटिफिक रीज़न दे तो कैसे हो, राइट? अगर देखिए, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। आइए कुछ कारण देख लेते हैं, फिर आपसे बातचीत करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, राइट? और ये हेल्थ के बारे में अगर बातचीत हो रही है तो सही मायने में नेकेड स्लीपिंग कैन बी अ लिटिल बेटर, राइट? उसके बारे में बातचीत करते हैं और ये आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है, वेरी वेरी ईजी, वेरी सिंपल, राइट? सबसे पहला रीज़न जो होता है आपका बॉडी टेम्परेचर। जी हाँ, आपको पता होगा आपका बॉडी टेम्परेचर जितना लो साइड जितनी जल्दी जाएगा उतना जल्दी आपको नींद आती है। सो कवरिंग इट विथ क्लोथ से बॉडी टेम्परेचर जो है लो जाने में थोड़ा स्लो लगता है। तो जी हाँ, अगर आप नेकेड सोते हैं तो आपको जल्दी नींद आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी टेम्परेचर। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपकी कई बार कुछ जगहों पे यही चीज़ मायने रखती है। जब आप मान लीजिए रात में लाइट चली गई, मान लीजिए रात में पंखा बंद हो गया, तो आपका बॉडी टेम्परेचर जितनी जल्दी गर्म हो जाएगा आपकी नींद जो है डीप स्लीप की जगह डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट? सो ये अल्टीमेटली स्लीप फास्टर भी होती है, डीप क्वालिटी भी बेटर होती है अगर आपका बॉडी टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा हॉट कोल्ड वेरिएशन होगा तो भी देर इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? सो इसीलिए कई बार हम क्या करते हैं, किसी को आदत होती है कंबल लेके चद्दर लेके सोना है, राइट? तो वो कंबल चद्दर आप मौसम के अनुसार बदल सकते हैं, दैट इज़ वन थिंग, बट स्लीपिंग इन मिनिमम क्लोथ्स इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ इन दैट एस्पेक्ट। ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, बट देन ये है। और स्किन के लिए भी हेल्दी है, एक तो नींद जल्दी आई, एक तो थोड़ा सा बेटर स्लीप हो गई, राइट? स्किन के लिए क्या हेल्दी है, क्योंकि स्लीप की क्वालिटी बेटर हो जाएगी तो ओवर अ पीरियड ऑफ ये टाइम देखेंगे कि स्किन थोड़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। और स्किन के ऊपर जो अगर मान लीजिए आप जब तक बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस रिलीज करने के लिए अच्छी क्वालिटी की नींद, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है, तो स्किन के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट आता है इसका। इसीलिए कई सारे पिक्चरों में, दुनिया भर के वीडियोस में जब भी आपने देखा है लोगों को पहले ऐसे कपड़े निकाल के, ओ मैं सो रहा हूँ, है कि नहीं? सो दैट इज़ वन पॉइंट वेयर पीपल यूज दैट, इट्स ट्रू, राइट? और सेम वे, सेम रीज़न ये एनजाइटी और स्ट्रेस भी कम करता है। और ये भी देखा गया है, जो लोग एक रिसर्च में देखा है कि जो लोग नेकेड सोते हैं उनके जो स्लीप क्वालिटी बेटर होने की वजह से डिप्रेशन, एनजाइटी, उसके रिस्क कम हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाने, सुसाइडल रिस्क कम हो जाते हैं। बट ऐसा कुछ मेजर कंक्लूसिव चीज़ नहीं है, एक माइल्ड सा फैक्टर है इसमें अगेन, राइट? एनजाइटी और स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है, राइट? और नेकेड स्लीपिंग में अगेन ये सारा पॉइंट ही सारा इसी का आता है, याद रखिएगा, सारे के सारा पॉइंट आ जाता है बॉडी टेम्परेचर सही तरीके से लो हो जाना और अच्छी क्वालिटी की नींद आ जाना। अच्छी क्वालिटी की नींद आएगी तो एनजाइटी, स्ट्रेस भी कम रहेगा, स्किन भी अच्छी रहेगी, वेट गेन भी नहीं होगा प्रॉब्लम उसमें भी, क्योंकि एनजाइटी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा के वेट गेन कर देता है, हार्ट डिजीज़ के, डायबिटीज़ के रिस्क भी कम हो जाते हैं, राइट? और तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, राइट? अगेन स्वेट नहीं आता है, पसीना नहीं आएगा अगर आपके कपड़े का लेयर ज़्यादा नहीं होगा, पसीना कम आएगा कंपेरिजन में, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तब तो कम होगा ना, तो कंपैरेटिवली कम पसीने में कंपैरेटिवली कम फंगल इन्फेक्शंस होंगे, राइट? रात को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, पसीना टाइट, अंडरवेयर टाइट, ये टाइट वो सब कुछ, ये बड़ा बड़ा पहन के सोए हैं, सारा अंदर ही अंदर पसीना लथ पथ, तो उधर फंगल ग्रोथ जल्दी हो जाती है, यीस्ट इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं, विमेन के वेजाइनल इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं। सो थोड़ा सा उसमें फ़ायदा मिलेगा, बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप टेम्परेचर सही रखो, रूम टेम्परेचर सही रखो, अपनी हाइजीन मेंटेन रखो वहाँ पर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और साथ ही ठंडा इन्वायरमेंट रहेगा तो जिनके स्पर्म काउंट्स कम होते हैं, जिनका थोड़ा सा वो भी, उसमें भी फ़ायदा होता है। अगेन जब आपके लिटरली जिनके स्पर्म काउंट्स कम होते हैं, लो टेस्टोस्टेरोन वालों को ये भी बोला जाता है कि आप तो भाई साहब
अंडरवेयर पहनना बंद कर दो, बॉक्सर्स पहनो बढ़िया खुले खुले, नो टाइट जीन्स, लूज कपड़े पहनिए. व्हाई? दैट हैज एन इफेक्ट, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सारे. और साथ ही अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं या कपल हैं, साथ में रहते हैं, तो नेकेड रिलेशनशिप भाई साहब आपके रिलेशनशिप के लिए तो अच्छा है ही, नो डाउट्स, राइट? दैट इज वन थिंग. बोलने वाली बात ही नहीं है उसमें क्या होगा, है कि नहीं? ओके, सो दैट इज दैट, दोज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप समझ सकते हैं कि कैसे क्यों आपका स्लीपिंग बेटर है. हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फुल कम्प्लीटली नेकेड. आप एक पजामा, एक बॉक्सर वॉक्सर पहन सकते हो, जितना आपको कंफर्टेबल है, ठीक है, वो आपके ऊपर है. इट्स अप टू यू कम्प्लीटली. आपको फुल नेकेड जाना है, फुल नेकेड जा सकते हो, जैसे मर्जी सोना है, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, राइट? उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, राइट? सो अगेन, अगर उसको समराइज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा स्लीप बेटर आएगा तो आपके स्ट्रेस इमोशंस उसमें बेटर आएगा. स्ट्रेस कम जरूर होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. तो स्लीपिंग नेकेड कैन बी हेल्दियर इन दैट एस्पेक्ट. लेकिन राइट, इससे थोड़ा सा रिस्क भी होता है. क्या रिस्क है? क्या रिस्क तो है थोड़ा बहुत. देखिए, स्लीपिंग बेटर होगी, ये सब अच्छा होगा, लेकिन कोई आ गया तो एम्बैरेसमेंट हो जाएगी. कोई कोई लोग होते हैं जो स्लीप वॉकिंग करते हैं, वो काफ़ी कॉमन नहीं है लेकिन है, राइट? तो अगर आप वैसे ही स्लीप वॉकिंग पे निकल गए तो बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, राइट? सो देर आर सम साइड इफ़ेक्ट्स, तो आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि कहाँ क्या और कैसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल के टाइम पे आप इसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, मुश्किल है. सो इसीलिए मिनिमम क्लोथ्स इज़ फाइन, एंड इट्स नॉट समथिंग लाइक अ वेरी बिग ह्यूज डिफरेंस, लेकिन थोड़ा सा माइल्ड डिफरेंस होता है, माइल्ड वेरिएशन होता है. तो बाय पर्सनल एक्सपीरियंस भी हम बता सकते हैं आपको कि यस, थोड़ी सी बेटर स्लीप आती है, राइट? सो ये हुई बातचीत स्लीप और नेकेड स्लीप के बारे में. कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिएगा, राइट?